फारसी कुचाई मॉर्निंग असेंबली और ये है रिकैप ऑफ सेशन डे टू का रिकैप चल रहा है। तो हम लोग अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जिनको आता है हाथ उठाएंगे जवाब देंगे। अस्तर का क्या तात्पर्य है? अस्तर हाथ उठाएंगे, अस्तर बताइए। अच्छा बिल्कुल सही, ताली बजा दी इनके लिए। दूसरा क्वेश्चन है एलपी का क्या आशय है? एलपी लेसन प्लान, इसके हिंदी पाठ। बिल्कुल सही, ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक पाठ को उंगली रखकर पढ़ते हैं और बच्चे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन सा पठन है? रुकिए जिससे पूछा जाए। हाँ बताइए, साझा पठन, ताली बजा दीजिए। बिल्कुल सही। कक्षा दो भाषा शिक्षक हस्त पुस्तिका में कितने पाठ योजना है? हाथ उठाइएगा जिनसे पूछा जाएगा, बोलिए। 29 बिल्कुल सही, जोरदार ताली। कक्षा टू भाषा शिक्षक हस्त पुस्तिका में कितने भाषा क्षेत्र है? भाषा क्षेत्र बताइए। 5 बिल्कुल सही, 5 है, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा योग्यताएं कितनी है? मौखिक भाषा विकास कितने संख्या 5 है। कितने हैं और भाई? 15 बिल्कुल सही, ताली बजा दीजिए इनके लिए, कोई बात नहीं। अधिगम उद्देश्य कितने हैं? 41 है, 41 है। पाठ योजना सत्र का समय कितना है? पूछ लीजिए उधर, कितने हैं? 90 मिनट, ताली बजा दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखें, और भी बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, इसका मतलब बीआरसी कुचाई में हमारे फैसिलिटेटर तो प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। सतत आकलन कब कब की जानी चाहिए? सतत आकलन, हाथ उठाइए। इधर दो हाथ, चलिए जगमान जी इधर। हाँ हाँ चाहिए, ये बताइए बताइए बताओ उनको कब की जानी चाहिए? पाठ्यक्रम के आशीर्वाद के अंत में, उसके बाद आपका साप्ताहिक, उसके बाद मासिक या त्रिमासिक। बिल्कुल सही, सत्र के दौरान, साप्ताहिक और मासिक या त्रैमासिक। अच्छा ये बताइए, पठन लेखन की शिक्षण रणनीति चार है, कौन कौन सी? एक दो कोई नाम बता दीजिए। साझा पठन, हाँ बिल्कुल सही, इधर जवाब आ रहा है। साझा पठन। दूसरा, हाँ इधर स्वतंत्र पठन, बिल्कुल सही, ताली बजा दीजिए। तीसरा मार्गदर्शित पठन और स्वतंत्र पठन, आदर्श पठन। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग का जवाब अच्छा आ रहा है। हमारे कौन कौन से भाषा क्षेत्र हैं? भाषा क्षेत्र 5 है ना, कौन कौन से, एकाध का नाम बता दीजिए, 1, 2, 3 जितना हो सके बताइए। नहीं, भाषा क्षेत्र उधर, हाँ बताइए। हम भी वही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, हाँ मौखिक भाषा, ताली बजा दीजिए, सही है। मौखिक भाषा विकास, फिर ध्वनि जागरूकता, बिल्कुल सही, रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, और लेखन, पढ़कर समझना, बिल्कुल सही, और लेखन। क्या बात है, एक्सलेंट। तो इस तरह से हम लोगों का आज तृतीय दिवस जीके सेशन समाप्त होता है। आप लोगों के बहुत अच्छे जवाब आए, और हम लोग आशा करते हैं कल भी हम लोग एक अच्छा सेशन करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी तरह से।